गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनीष दीक्षित नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आर आई एम सी। ये RIMC या शायद आपने नाम सुना हो, और नहीं सुना तो ये आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट मिलिट्री में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, और एक बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट होता है डिफेंस, जब बच्चा एडमिशन लेता है डिफेंस में और NDA कैडेट बनकर निकलता है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वो पल होता है। मगर हर बच्चा उस ऊंचाइयों तक नहीं जा पाता। उसके पीछे, क्योंकि मिलिट्री जो है वो टफेस्ट एग्ज़ाम है, और एक लेफ्टिनेंट बनना अपने आप में गौरव की बात है। उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे पता है जब मैं वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ तो 90% पेरेंट्स को ये पता नहीं होगा कि RIMC क्या होता है। तो उसी को लेके मैं काफ़ी सारी अभी वीडियोस बनाने वाला हूँ गाइडेंस के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RIMC से, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो जिसमें इसमें जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट्स आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट है व्हाट इज RIMC, RIMC क्या है। सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम। थर्ड पॉइंट है सिलेबस फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम। फोर्थ, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दैट RIMC एंट्रेंस एग्जाम। फिफ्थ पॉइंट इज क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं। सिक्स पॉइंट है अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। एंड द सेवन पॉइंट इज फीस ऑफ RIMC फॉर्म, कि RIMC की फीस क्या होगी। तो सिर्फ मैं आपको पहले से एक चीज बता दूं, ये इंडिया का मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्जाम है। और इवन मैं यदि ये कहूं कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है RIMC का, तो बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट, और आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन इसका देता हूं अपने वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज RIMC। तो देखो RIMC क्या है, पहले उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मली इट वॉज नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज। किस नाम से जाना जाता था, ये प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज के नाम से। अभी ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कूल के नाम से जाना जाता है, मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है RIMC। एडमिशन जो होता है वो 8th में होता है। 7th पास आउट या 7th ईयर अपियरिंग स्टूडेंट RIMC दे सकते हैं। पहला पेपर वो दिसंबर में दे सकते हैं। आप लगा लीजिए कितना प्रेस्टीजियस एग्जाम है। हमारे यहाँ IAS में जो टॉप IAS जो कलेक्टर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM बनते हैं, 100 सीट्स हैं, जबकि RIMC में पूरे इंडिया से ओनली 25 सीट्स हैं। डेट इज़ फिल्ड ट्वाइस अ ईयर। इवन दिल्ली जैसे स्टेट से एक ही है, और डेट डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स वहाँ से ज़्यादा हैं। तो ट्वाइस अ ईयर होता है, एक तो दिसंबर में, जून में एग्जाम हेल्ड होता है, और एक दिसंबर में, और एडमिशन जुलाई और जनवरी में होता है। 25 सीट्स होती हैं ट्वाइस अ ईयर, यानी कि टोटल सीट्स कितनी हो गई पूरे ईयर में पूरे सीट्स हैं 50 सीट्स आर देयर। तो ये मैंने आपको RIMC के बारे में बताया। आगे हम एलिजिबिलिटी के बारे में चलते हैं। एलिजिबिलिटी भी डिस्कस हो जाएगी इधर ही। एलिजिबिलिटी क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि 7th अपियरिंग होना चाहिए, 7th अपियरिंग या 7th पास आउट। और एज जो होना चाहिए, वो एज के बारे में हम एलिजिबिलिटी में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो एज होनी चाहिए वो 11.5 से लेके 13 साल के बीच में स्टूडेंट की एज होनी चाहिए। क्लियर, 11.5 से 13 के बीच में एज होनी चाहिए। 7th अपियरिंग होना चाहिए या 7th पास आउट होना चाहिए, तो एज का क्राइटेरिया भी मैच करेगा। और साथ में अपियरिंग, 7th अपियरिंग या 7th पास आउट, सीट्स 25 मैंने आपको बताई नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्लियर आई हैव टोल्ड यू। तो सीट्स जो हैं 25 से, और एग्ज़ाम जो है वो जून और दिसंबर में होता है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है। एडमिशन हेल्ड होता है जुलाई और जनवरी में। आगे हम बात करते हैं RIMC के सिलेबस की। तो आगे हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी की।
तो सबसे पहले थर्ड और फोर्थ पॉइंट जिस पर अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो सबसे पहले थर्ड और फोर्थ पॉइंट है सिलेबस और पैटर्न क्या होगा। तो RIMC के सिलेबस में फोर सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट द होल RIMC इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज रिटन एंड द अदर इज वन इज रिटन सेकेंड पार्ट इज बाइवा एंड द फोर्थ पार्ट इज मेडिकल। क्लियर। एक्चुअली एग्जामिनेशन जो है पॉइंट ऑफ व्यू, एक आर्मी कैडेट आप बना रहे हैं, नेशनल कैडेट आप बनाएंगे, तो उस नेशनल कैडेट के लिए उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। तो बिल्कुल उसको मेंटली तो आपका रिटन एग्जाम है, फिर उसके बाद बाइवा है, उसको चेकआउट करने के लिए उसका व्यू पॉइंट जनरेट करना इंपॉर्टेंट एम होता है। और इवन हमारी कोचिंग में या हम कुछ गाइडेंस जो देना चाह रहे हैं उसका भी यही एम है कि बच्चे का जो व्यू पॉइंट है वो जनरेट हो एक नेशनल कैडेट बनने के लिए। इसकी जो कोचिंग जो है, सिलेबस जो है स्टार्ट हो जाएगा थर्ड से, और हमने पूरी तैयारी इसके लिए कर रखी है। थर्ड से सिलेबस क्या रहेगा, कैसे इसको कराना है, वो सारा रिटन का पैटर्न हमारे पास में तैयार है। इवन तो मैं बता देता हूँ आपको, रिटन एग्जाम में सबसे पहले इंग्लिश जो है वो 125 मार्क्स की है, और मैथ्स गुरु नाम है मेरा और निकनेम आप समझें, तो मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो 200 मार्क्स का है RIMC में, 200 मार्क्स का। और 200 मार्क्स का मतलब आप समझते हैं कि 50% मार्क्स जो है मैथ्स के हैं, इसलिए ये मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग जो है, जनरल नॉलेज प्लस रीजनिंग जो है 75 मार्क्स की है, और इसके बाद बायवा जो है 50 मार्क्स का होता है, फिर मेडिकल एक मेडिकल होगा। तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें 150% का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, जो पैटर्न की हम बात करते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है नेशनल कैडेट बनने के लिए या इसमें सिलेक्शन के लिए, वो 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है कि क्वालिफाइंग, और हर सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं है, ओवरऑल इंग्लिश में यदि 125 है तो 63 आउट ऑफ लाना ही होगा आपको, यू हैव टू गेट 63 आउट ऑफ 125। और व्हेन वी टॉक अबाउट मैथ्स, तो 100 आउट ऑफ 200 एंड 38 मार्क्स यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस 75 मार्क्स। तो बायवा में भी आपको 50% मार्क्स लाना है। तो ये सिलेबस और पैटर्न है RIMC का। अब आगे हम बात करेंगे इसकी, क्वालिफाइंग मार्क्स कि मैंने बात करी ली है यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है और फीस क्या है RIMC की, डेट वी विल डिस्कस। अभी अपन करते हैं डिस्कस।